फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये लिथियम फॉस्फेट बैटरी की अनबॉक्सिंग। ये मैंने इलेक्ट्रिक स्कूटी के लिए मंगवाई है और इसके बारे में मैं पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। साथ में हम इसमें जब हम इसको इंस्टॉल कर देंगे स्कूटी में कितनी रेंज मिलती है, क्या है, सब कुछ मैं बताऊँगा कितने की मुझे पड़ी थी। तो इस वीडियो में इसकी अनबॉक्सिंग है। तो ये देखिए, ये पैकेज आया है, ये बिल्कुल इस तरह से कुछ पैकेज है। यहाँ से थोड़ा सा पिचका हुआ है बट कोई बात नहीं, हम इसको खोल के देखते हैं अंदर बैटरी की क्या सिचुएशन। ये जो मैंने बैटरी मंगवाई है माई इनोवेशन 2-3 से मंगवाई है और ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, क्योंकि मेरे YouTube पे मतलब मैं इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ कि ये लोग मुझे प्रमोशन के लिए देंगे। ये मैंने गूगल किया था तो ये वेबसाइट सामने आ रही थी जिसके ऊपर ये बैटरी अवेलेबल थी और प्राइस जो था कम था, और ये जेन्युइन जो FB टैग के सेल इन्होंने यूज़ किए हैं। मैंने बंदे से बात करी तो बंदा काफ़ी जेन्युइन था, इसलिए मैंने उस पर ट्रस्ट करके और उसको पेमेंट कर दी और ये बैटरी मैंने मंगवा ली। तो अब देखते हैं इसके अंदर क्या निकलता है, कैसी है बैटरी। देखो, सेफ्टी के लिए काफी गत्ते वत्ते भरे हुए हैं। तो चलो बैटरी निकाल लेते हैं। ये देखिए, सेफ्टी के लिए काफी गत्ते वत्ते भर रखे हैं ताकि बैटरी डैमेज ना हो। और ये इसके साथ में कनेक्टर हैं। ये इसके साथ में मेल फीमेल कनेक्टर मिला है हमें और ये स्ट्रिंग ट्यूब भी दी है लगाने के लिए, ये अच्छी बात है। चलो इसको रख देते हैं साइड में और करते हैं बैटरी को ओपन। पैकिंग काफ़ी ज़बरदस्त है, बैटरी एकदम सेफ होनी चाहिए। और ये फाइनली बैटरी आ गई है। ये इसमें साइड में एक साइड से ऐसे उठी हुई सी है। आई थिंक यहाँ पे इसका मे बी BMS फिट किया हुआ हो इसलिए ये इस तरह से उठी हुई है। बट डैमेज तो नहीं है बैटरी, वो मे बी BMS ही होगा यहाँ पे, बाकी हर जगह से प्लेन है। ये आप देख लीजिए, ये जो 16 सीरीज में लगे हैं 5 पैरेलल में, 58 चार्जिंग वोल्टेज, EV ओरिजिनल बैटरी, 48 वोल्ट 30 एम्पियर की बैटरी है, यहाँ से परचेज की है। तो ये था बैटरी के बारे में। ये जो वायर हैं, वायर भी अच्छी खासी हैं, 4 mm की वायर हैं ये, जो कि स्कूटी के लिए सफिशियंट है। स्कूटी में मैक्सिमम 20 एम्पियर तक ही जाएगा और ये 20 एम्पियर से ज़्यादा सपोर्ट कर सकती हैं। तो हम इनमें ये इंस्टॉल कर सकते हैं आराम से और फिर स्कूटी में लगाएंगे। और आगे का नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कितनी चलती है। और ये जो बैटरी है ये मेरे को 27,500 की पड़ी है विदाउट वारंटी। आप वारंटी के साथ लेते हो तो आपको 1500 समथिंग, एग्जैक्ट याद नहीं, आप वेबसाइट पे चेक कर लेना, और ऐड करने पड़ेंगे। और इसमें 800 रुपये जो शिपिंग चार्जेस थे मेरे, वो 800 रुपये शिपिंग चार्जेस इसमें इंक्लूडेड हैं प्राइस में। मैंने वारंटी इसलिए नहीं ली क्योंकि वारंटी के साथ में अगर मैं इस बैटरी को परचेज करता तो कभी वारंटी क्लेम करनी होती तो शिप करना पड़ता, फिर वो इसको रिपेयर करके भेज दे, तो उसमें अगर इसका कुछ एक आधे सेल ख़राब होंगे तो मैं वो सेल अपने आप से रिप्लेस कर लूँगा फ्यूचर में परचेज करके, इसलिए मैंने वारंटी के साथ नहीं लिया है। और अब देख सकते हैं वारंटी नो मैन्युफैक्चरिंग 4/6/22। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके रिव्यू के साथ।
जो ये आप देख रहे हैं ये चार्जर है, ये मैंने इसी सेम बैटरी के लिए मंगाया है। ये लिथियम आयन और लिथियम फॉस्फेट जो बैटरी होती है उनको चार्ज करने के लिए है। इसके जो आउटपुट है वो 58.8 वोल्ट है, क्योंकि जो मेरी जो बैटरी है वो 16 की सीरीज में है, तो जो उसकी मैक्सिमम फुल चार्ज वोल्टेज होती है रेस्टिंग में वो 54.4 समथिंग है, और इसको चार्जिंग के लिए 58 वोल्ट चाहिए। तो चलिए मैं ये देख लीजिए, ये चार्जर है, इसकी कोई वारंटी तो वैसे ली नहीं गई है, और ये आप स्पेसिफिकेशन देख सकते हो, 58.8 वोल्ट है, 6 एम्पियर का चार्जर है। ये कुछ प्रिक्यूशन है, मेड इन इंडिया है, ड्रोन पावर ब्रांड है, ये फैन है इसमें, और ये जो है पिन चार्जिंग के लिए, एक्स्ट्रा फ्यूज, और ये पावर सॉकेट। तो मैं इनको वेबसाइट पे भी आपको दिखा देता हूँ कि ये कहाँ कहाँ से मिले, मैंने लिए थे, कैसे परचेज किए थे। तो फ्रेंड्स मैं आपको दिखा देता हूँ, जब मैंने गूगल पे 48 वोल्ट लिथियम फॉस्फेट बैटरी लिख के सर्च किया तो, और मैंने इस शॉपिंग पे क्लिक किया, उसके बाद में आप देख सकते हो नीचे ये माई इनोवेशन करके ये कई सारे आ रहे हैं। मैंने जो बाकी ये साइटें आ रही हैं इनमें भी, जैसे ये अलीबाबा ये तो चाइना की है, बाकी कुछ ये मैंने सारी ओपन कर करके देखी थी, तो इस पर जो माई इनोवेशन है इस पर बहुत सारे ऑप्शन मेरे को मिले। पहले ये जो मैंने जो 24H वाली है इसका प्लान किया था, फिर बाद में मैंने सोचा थोड़ा सा माइलेज अच्छी मिल जाएगी, रेंज अच्छी मिल जाएगी, तो मैं 30H पे जाता हूँ, 5000 का डिफरेंस है, इसलिए मैं इसको एक बार ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए ये अभी मैंने बैटरी ओपन कर ली है वेबसाइट, तो 26500 दिखा रहा है ये विदाउट वारंटी है। अगर यहाँ पे आप सेलेक्ट करते हैं 3 ईयर वारंटी तो ये 28500 की है, और ये वाली जो बैटरी है ये 15S वाली है, मतलब 15 सेल सीरीज में लगे हैं और 5 पैरेलल में, और जो मेरे वाली बैटरी है वो 16 सेल सीरीज में लगे हैं और 5 पैरेलल में, इसलिए इसकी जो नॉमिनल वोल्टेज है वो 48 वोल्ट है, और मेरे वाली की है जो 51 वोल्ट है, तो उससे क्या है कि मेरे को थोड़ा सा बैकअप ज़्यादा मिल जाएगा। और अगर आपके पास लेड एसिड वाला चार्जर है तो आप वो 16 सीरीज वाली ही मंगवाएं, क्योंकि वो आपका लेड एसिड बैटरी वाला चार्जर भी उस पर काम कर जाएगा, तो अलग से आपको लिथियम का चार्जर नहीं ख़रीदना पड़ेगा। हालांकि मैंने यहाँ से लिथियम का चार्जर भी ख़रीदा है, क्योंकि माई बैड लक वो चार्जर उसी दिन ख़राब हो गया जिस दिन मैंने बैटरी ऑर्डर करी, जो मेरा लेड एसिड का था वो, और फिर मैंने सोचा कि चलो हम लिथियम बैटरी परचेज कर रहे हैं तो चार्जर पे भी इन्वेस्ट कर ही देते हैं, लॉन्ग टर्म है, तो इसलिए मैंने इन्हीं से फिर कंपेटिबल चार्जर भी ख़रीद लिया, क्योंकि चार्जर भी मैंने कई साइटें देखी थी, एक साइट और थी जिस पे 100-200 रुपये कम भी मिल रहा था, बट वो अगेन वही ट्रस्ट वाली बात है, नई साइट पर जल्दी से ट्रस्ट नहीं होता है, इसलिए फिर मैंने इनसे चार्जर भी परचेज कर लिया। तो ये है फ्रेंड्स मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है, आप ख़रीद सकते हो, यहाँ से आपको जेन्युइन प्रोडक्ट मिलेगा, कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। बंदे से मैंने बात करी थी, 16S वाली अवेलेबल नहीं थी तो उन्होंने बना के दे दी थी, और मैंने ट्रस्ट इसलिए किया क्योंकि जैसे बंदे ने वेबसाइट बना रखी है, कंपनी रजिस्टर कर रखी है, तो उस हिसाब से कोई फर्जीवाड़ा नहीं करेगा, क्योंकि बंदे ने इतना खर्चा किया, इतनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो वो डेफ़िनेटली अपनी ब्रांड की एक वैल्यू बनाना चाहेगा, ना कि किसी से फर्जीवाड़ा करके कुछ पैसे ऐट लेगा। तो इसलिए आप यहाँ से कर सकते हो, मुझे मेरे साथ कोई धोखा नहीं हुआ है, तो आप भी ट्रस्ट कर सकते हो, और आप बात करोगे तो आपको पता चल जाएगा। और इनका यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब पे आप वो भी देख सकते हो। तो यही था बस मेरी तरफ से, थैंक यू फ्रेंड्स।